और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके बेटे पर करोड़ों की घूस लेने के गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने घूस की रकम से दिल्ली के मेहरोली में फार्म हाउस खरीदा। आरोपों के मुताबिक वीरभद्र सिंह ने एक निजी बिजली कंपनी को सीएम पद पर रहते हुए फायदा पहुंचाया, जिसके बदले में बिजली कंपनी के डायरेक्टर ने वीरभद्र को मोटी रकम दी। रकम पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बैंक अकाउंट में जमा की गई, उसके बाद अगले ही दिन रकम को सीएम वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। खरीद के अहम दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ कि बेटे विक्रमादित्य की कंपनी ने मेहरोली में एक फार्म हाउस खरीदा और आरोप यह भी है कि इस फार्म हाउस को खरीदने में जिस रकम का इस्तेमाल हुआ वो कंपनी को फायदा पहुंचाने के बदले में ही दी गई, लेकिन रकम को नाम लोन दिया गया। इंडिया टीवी के पास मेहरोली में खरीदे गए फार्म हाउस से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक आरोपी बिजली कंपनी के डायरेक्टर ने वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य को फार्म हाउस दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सेल डीड में डायरेक्टर का नाम गवाह के तौर पर दर्ज है। दिल्ली के मेहरोली में एक फार्म हाउस, ऐशो आराम की हर सुविधा से लैस इस फार्म हाउस के दरवाजे पर अभी फिलहाल शांति है, लेकिन यहां से करीब 450 किलोमीटर दूर हिमाचल की सर्द हवाओं में दिल्ली के इसी फार्म हाउस ने सियासत की गर्मी बढ़ा दी है और निशाने पर हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह। आरोप है कि मेहरौली में करोड़ों की कीमत वाला ये संपन्न फॉर्म मुख्यमंत्री के बेटे विक्रमादित्य सिंह को एक निजी बिजली कंपनी की सौगात के तौर पर मिला। आरोप है कि बिजली कंपनी को पिता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गैर कानूनी तरीके से कई फायदे पहुंचाए और बदले में सीएम के बेटे को मिली ये सौगात। ये फार्म हाउस जिस कंपनी के नाम पर है उस कंपनी का नाम है मैपिल डेस्टिनेशन एंड ड्रीम बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के दस्तावेजों में इस कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं और ये नाम है विक्रमादित्य सिंह और अपराजिता कुमारी। विक्रमादित्य सिंह और अपराजिता कुमारी ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और बेटी हैं, यानी कि ये फार्म हाउस हिमाचल प्रदेश के सबसे रसूखदार परिवार की प्रॉपर्टी है। आरोपों के मुताबिक बिजली कंपनी वेंचर एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड को वीरभद्र की सरकार ने एक पुराना प्रोजेक्ट फिर से दिया। प्रोजेक्ट को वीरभद्र की सरकार ने ही 2002 में कंपनी से छीन लिया था। तब कंपनी पर प्रोजेक्ट की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा, लेकिन कुछ साल बाद सबको हैरान करते हुए ये प्रोजेक्ट VETL कंपनी को फिर से दे दिया गया। यही नहीं, कंपनी को काम शुरू करने की मियाद के एक्सटेंशन देकर राहत भी दी गई और इसी के बदले में कंपनी के प्रमोटर वी चंद्रशेखर ने 2,40,00,000 रुपए की घूस दी। घूस की रकम पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खाते में जमा हुई और फिर रकम वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य के खाते में ट्रांसफर कर दी गई और इसी रकम से खरीदा गया दिल्ली में मेहरौली का ये फार्म हाउस। वेंचर एनर्जी कंपनी के मालिक वी चंद्रशेखर की ओर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खातों में करोड़ों की धनराशि ट्रांसफर की गई। इंडिया टीवी के पास जो दस्तावेज है उनके मुताबिक 2,40,00,000 रुपये ट्रांसफर किए गए 18 जुलाई 2011 से 28 नवंबर 2011 के बीच ये रकम ट्रांसफर की गई और हमारे पास वीरभद्र सिंह के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है और साथ में उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी मौजूद है और इन दस्तावेजों के मुताबिक ये पैसे पहले वीरभद्र सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर हुए और उसके बाद विक्रमादित्य सिंह के अकाउंट में इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया और इन्हीं पैसों से इस फार्म हाउस की खरीद की गई है। विक्रमादित्य सिंह ने अगस्त 2011 में इन्हीं पैसों से अपनी कंपनी मैपिल डेस्टिनेशन के नाम ये फार्म हाउस खरीदा था। आरोप है कि फार्म हाउस की कीमत दिखाई गई 1,20,00,000 रुपए। खास बात ये भी है कि इस फार्म हाउस की खरीद में भी बिजली कंपनी VETL के डायरेक्टर वी चंद्रशेखर का हाथ था। फार्म हाउस की सेल डीड में खरीद के गवाह के तौर पर दो नाम दिए गए हैं। इसमें पहला नाम है वी चंद्रशेखर का। हालांकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूरे मामले को विपक्ष की साजिश करार दे चुके हैं। and technology limited company and with regard to Sai Koti project are totally false and frivolous.